हे एवरीवन, कैसा रहेगा 20 मई का एग्जाम? कैसी रहेगी फाइनल प्रेडिक्शन? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस है? लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ये है हमारे पुराने रिव्यूज, हमारे प्रेडिक्शंस में से जो क्वेश्चंस आए हैं. अगर हम बात करें रीडिंग की, रीडिंग रहने वाली है इजी टू मॉडरेट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी. यस, एक पैसेज डिफिकल्ट रहने वाला है, इसलिए उसको अच्छे से करें. आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं फिलअप्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द इंफॉर्मेशन. कुछ कैम्ब्रिज बुक्स मैंने लिखी हैं और रीडिंग पैसेजेस आपके सामने हैं. फुल लिस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. हमारी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड रहती हैं. सो आप जल्दी से वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर एनी प्रेडिक्शंस, दैट इज जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड इट इज लाइक वी डू नॉट वॉन्ट के स्टूडेंट्स से प्रेडिक्शंस पे ही डिपेंडेंट रहे. इट इज एक्सपेक्टेड थिंग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं. इट इज नॉट लाइक कि हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया है. लिसनिंग की बात करेंगे तो लिसनिंग भी इजी टू मॉडरेट रहेगी, इजी भी रह सकती है, ज्यादा इजी रहने के चांसेस हैं. कैम्ब्रिज बुक्स आपके सामने, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया और ये वाले लिसनिंग के टॉपिक्स कर लिए होंगे तो दैट विल बी गुड. स्पेलिंग्स की आपको लिस्ट चाहिए तो दैट इज अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल. लेवल राइटिंग टास्क का रहेगा इजी टू मॉडरेट. आपको टास्क वन जो है दैट विल बी लाइन टेबल प्रोसेस या पाई, एंड टास्क टू के टॉपिक्स आपके सामने हैं. जनरल के लिए फॉर्मल आ सकता है अगर कंप्यूटर बेस्ड किसी ने फिल किया है तो. राइटिंग टास्क टू विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन या टू व्हाट एक्सटेंड या डू द एडवांटेजेस. एंड द फुल लिस्ट इज अगेन अवेलेबल ऑन यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, आप वहां पे चेक कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट एंड डू वॉच ऑल द वीडियोज related to the cue card speaking, and also you can like, share and subscribe if you have not done yet. Take care everyone, see you in my next video very soon.